बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट शुड बी एडिड टू एक्स रेज पावर 4 प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 5 सो दैट इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस एक्सप्रेशन में हम लोग क्या ऐड करेंगे, इसको हम डिवीजन के मेथड से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है x रेज पावर 4, x रेज पावर 4 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। अब हम x स्क्वायर को अगर x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा x रेज पावर 4। अब यही नंबर हम इसके अंदर प्लस भी करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x2। जब हम प्लस करते हैं तो नंबर हमारे पास कोएफिशिएंट्स जो हैं वो प्लस होते हैं और पावर हमारे पास सेम ही रहती है, x की पावर 2 ही रहेगी हमारे पास। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आया एक्स रेज पावर 4। कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर जो है प्लस हो जाती है तो 2 + 2 हमारे पास 4 आ गया। अब हम यहाँ पर माइनस करेंगे, इसके साइन चेंज हो जाएगी, माइनस के साइन आएगी और ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है। अब बाकी जो हमारे पास आ रहा है वो है 4x³ + 10x². अब हमारे पास x वाली टर्म यहाँ पे नहीं है तो हम खुद से ऐड कर लेते हैं 0x + 5, 4x³ / ये हमारे पास है 2x², तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब्ड है तो हमारे पास 2x आएगा। इन सम 2x के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x³ आ जाएगा प्लस 2x, यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे प्लस 2x और मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 4x और एक्स स्क्वायर है तो हमारे पास x³ हो जाएगा प्लस 2 × 4 x है तो हमारे पास x² आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस के साइन इनकी चेंज होगी, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम यही प्लस कर देंगे इसके अंदर तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 4x। और यहाँ पे हमारे पास प्लस का है 10 और माइनस का 4 है तो हमारे पास आ जाएगा 6x² प्लस 0x प्लस 5 करेंगे, 6x² को ऊपर रखेंगे, 2x² को नीचे और इनको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा प्लस 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x² के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 6x² प्लस 3 × 4 = 12x प्लस 3 × 3 = 9, 3 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 4x और 2x² एज इट इज ही आ जाएगा। और यहाँ पे साइन चेंज होगी, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास माइनस का 12x आएगा और यहाँ से हमारे पास माइनस का 4 आएगा।
अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है -12x और -4। हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, 12x प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा। दस द परफेक्ट स्क्वायर। हम इस एक्सप्रेशन में 12x प्लस 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा।